हेलो गाइज, मैं हूँ मोटिवेशनल गुरु और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल गुरु 11-11। जीवन में कभी भी किसी को कुछ बोलने से पहले एक बार जरूर विचार कर लीजिएगा, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। एक बार की बात है, एक वैद्य जी हुआ करते थे जिनका काम था लोगों का उपचार करना। वैद्य जी के पास जो लोग भी आते उनका वो उपचार करते थे। एक बार उस नगर का सेठ अपने बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी ने उसे दवाइयां दी और बदले में 10 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। यह देख एक गरीब व्यक्ति वहां से जाने लगा। जब वैद्य जी ने देखा कि वो व्यक्ति वहां से उठकर जा रहा है, तो वैद्य जी ने उसे बुलाया और पूछा, क्यों जा रहे हो, क्या बात है? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास इतने धन नहीं है कि मैं अपना उपचार करा सकूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। तब वैद्य जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारे यहां सेवा कर देना, हम तुमसे धन नहीं लेंगे। यह देख सेठ जी को गुस्सा आया। वैद्य जी को बोल दिया कि मेरे पास धन है तो आप मुझसे धन ले रहे हैं, और इसके पास नहीं है तो इसे फ्री में इलाज कर रहे हैं। तब वैद्य जी ने उन्हें समझाया, देखिए इस आश्रम को चलाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, पहला धन की और दूसरा सेवा की। हमने आपसे धन लिया क्योंकि आपके पास धन था, लेकिन इस व्यक्ति के पास धन नहीं है, तो इसलिए हमने इससे सेवा करने के लिए बोला। तब सेठ जी को बात समझ में आ गई और अपनी गलती का पछतावा हुआ। इसीलिए कभी भी बिना जाने समझे किसी को कुछ ना बोले, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, ये स्टोरी अच्छा लगे, तो इसे शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।